हेलो दोस्तों, एक बार फिर से वेलकम। आज का प्लान है 15x60 का। ये प्लान ग्राउंड फ्लोर प्लस फर्स्ट फ्लोर का होने वाला है। क्योंकि ये एक कॉर्नर प्लॉट है, इसलिए आगे पीछे रोड होने की वजह से बालकनी लटकाई जा सकती है, जो कि अमूमन 3 फीट लटकाई जाती है। साथ ही साइड से 3 फीट लटका कर ये प्लॉट फर्स्ट फ्लोर पर 18x66 का हो जाएगा। क्योंकि इस प्लॉट की चौड़ाई 15 फीट है और 3 फीट बालकनी लटकेगी तो वो 18 फीट हो जाएगी। इस प्लॉट की लंबाई 60 फीट है। अब इसकी लंबाई में 3 फीट की बालकनी आगे लटकेगी और 3 फीट की बालकनी पीछे लटकेगी तो ये 66 फीट हो जाएगी। इस तरह से हमको ये प्लॉट फर्स्ट फ्लोर पर 66x18 का मिलेगा। आपने अभी तक इसका एलिवेशन देखा है, अब इसके फ्लोर प्लान के बारे में चर्चा करते हैं। चलिए सबसे पहले इस कॉर्नर से शुरुआत करते हैं। इसमें एक विंडो और एंट्री गेट रखा गया है। इसके अंदर एक सीटिंग एरिया रखा गया है जो स्टार्टिंग में रखा गया है। इस सीटिंग एरिया के अंदर टीवी यूनिट भी सेट की जा सकती है। यहाँ से पेसेस से होता हुआ किचन दिया गया है, जिसमें एक स्टोर रूम भी दिया गया है। किचन में एग्जॉस्ट फैन की बहुत ज़रूरत होती है, जो कि स्टेयर केस की साइड दिया गया है। अगर ज़रूरत हो तो स्टेयर केस की साइड में चिमनी भी रखी जा सकती है। स्टेयर केस में भी एक डोर दिया गया है, जिससे 2 व्हीलर की पार्किंग सीढ़ियों के नीचे की जा सकती है। स्टेयर केस के नीचे वॉश एरिया रखा गया है। स्टेयर केस के बाद एक कॉमन टॉयलेट बाथरूम रखा गया है, जिसका वेंटिलेशन भी स्टेयर केस में दिया जा सकता है। बाथरूम के बाद में एक पेरेंट रूम रखा गया है। इस रूम का रास्ता भी बाहर से दिया गया है। बाहर के दरवाजे के साथ एक विंडो भी अटैच की गई है। अब देखते हैं फर्स्ट फ्लोर का प्लान। फर्स्ट फ्लोर पर सबसे पहले एक लॉबी मिलती है। लॉबी के लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड पर सेम पोर्शन मिलते हैं, जिसमें एक सिटिंग एरिया मिलता है। सिटिंग एरिया के बाद में एक मास्टर बेडरूम मिलता है। मास्टर बेडरूम में एक लेट बाथ अटैच किया गया है और एक बालकनी दी गई है। फर्स्ट फ्लोर का ऊपर वाला पोर्शन जो स्टेयर केस के लेफ्ट हैंड साइड है, वो भी राइट हैंड साइड के पोर्शन की तरह ही बिल्कुल रखा गया है। इसके अंदर भी एक सिटिंग एरिया, एक बेडरूम, बालकनी और लेट बाथ अटैच किए गए हैं। अगर आप भी अपने घर का नक्शा इसी तरह से 3D में बनवाने की सोच रहे हैं तो स्क्रीन पर आ रहे नंबर से आप व्हाट्सएप कर सकते हैं।